हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माय यूनिक स्पोर्ट पर। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, सोलर या नॉन सोलर। गाइस, अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा इन्वर्टर लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, सोलर या फिर नॉन सोलर, तो आज की ये वीडियो आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा इन्वर्टर सेलेक्ट कर पाएंगे। गाइस, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ अच्छे इन्वर्टर की लिस्ट डाल दूंगा, जो आप प्लीज एक बार चेकआउट कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपना। फ्रेंड्स, अगर आप एक नया इन्वर्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करें और आप अपने लिए एक सोलर इन्वर्टर ही खरीदें। दोस्तों, अगर आज आप अपने लिए एक सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं तो इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। आपको जो बिजली का हर महीने बिल पे करना पड़ता है तो आपको उससे छुटकारा मिल जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप एक सोलर इन्वर्टर ले लेते हैं तो वो आपकी मेंस पर काम नहीं करेगा। दोस्तों, जो सोलर इन्वर्टर होता है वो आपकी मेज पर भी काम करता है, उसके साथ साथ आपके सोलर पैनल पर भी काम करेगा। तो सोलर इन्वर्टर लेने का ये सबसे बड़ा फायदा है। सिंपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आज आप एक नॉर्मल इन्वर्टर ले लेते हैं और आपका फ्यूचर में प्लान बनता है कि मुझे सोलर सेटअप इंस्टॉल करना है, तो दोस्तों उस कंडीशन में होगा क्या, अगर आपके पास एक नॉर्मल इन्वर्टर है तो उसके लिए आपको एडिशनल से एक चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट भी 2000 या 2500 के करीब होगी। और दोस्तों, उसे लगाने के बाद भी का जो सोलर सेटअप हुआ वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं वो इतना एफिशिएंट भी नहीं देते। फ्रेंड्स, अगर आज आपका बजट कम है, आप सिर्फ सोलर इन्वर्टर लेते हैं और आप प्लान करते हैं कि फ्यूचर में मैं कुछ अपने पैनल लगा लूँगा, तो सोलर इन्वर्टर के साथ बिल्कुल ऐसी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आज आपका बजट कम है तो आप सिर्फ सोलर इन्वर्टर ही लीजिए, वो आपकी बैटरी के साथ पूरा काम करेगा। फ्यूचर में जब साल बाद या दो साल के बाद आपका बजट हो जाता है तो आप उसके साथ अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सोलर का सबसे बढ़िया फीचर है दोस्तों, कि इसके साथ आप पैनल लगा सकते हैं, आज नहीं तो दो साल बाद भी लगा सकते हैं। सोलर इन्वर्टर लगाने का ये भी फायदा है, इस सोलर इन्वर्टर के पीछे बैक साइड पर एक आपको स्विच मिलता है, प्रायोरिटी सेट। प्रायोरिटी सेट से हमें समझ आता है कि किसी चीज़ को प्रेफरेंस देनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का सारा लोड सिर्फ सोलर से चले, तो अगर आप वो वाला फीचर ऑन कर देते हैं, आपका घर का सारा लोड और आपकी बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी। आप बेशक अपने सोलर इन्वर्टर को मेन से डिस्कनेक्ट कर लें, सारे घर का लोड सोलर से ही चलेगा। और उसके इन्वर्टर की बैक साइड एक ये भी फीचर होता है मेन्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर का लोड बिजली से ही चले, उस कंडीशन में होता क्या है, आपका जो सोलर पैनल होता है वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आपका बाकी जो घर का लोड होगा, फैन वगैरह, वो बायपास होकर बिजली पर ही चलेंगे। दोस्तों, जो सोलर होता है, सोलर इन्वर्टर होता है, ये प्रायोरिटी ही सोलर होती है, मैक्सिमम हमारी बैटरी सोलर से ही चार्ज हो और हमारा जो बिल बड़ा बिल होता है वो कम हो। सोलर का मतलब ही यही है कि बिजली के बिल को कम करना। दिन भर ये आपकी बैटरी को चार्ज करता रहता है और रात के समय जो चार्ज हुई हुई थी बैटरी, उसी से आप अपने घर का लोड अप्लायंसेस चला सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो सोलर ही लें, उसके साथ आप पैनल बाद में भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि वहाँ पे कोई इतने कट्स नहीं होते हैं, तो आपको सोलर इन्वर्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे बचें तो ही आप सोलर इन्वर्टर को लगाएं। एक छोटी सी एग्जांपल देकर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप अपने लिए 300 वाट का एक सोलर सेटअप लेते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो वो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और नॉर्मल इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। अगर हम एक नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें जिसमें हमारा एक इन्वर्टर होता है और 150 Ah की बैटरी आती है, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर 18,000 के करीब पड़ती है, अच्छी मतलब लूमिनस की लगा लीजिए। अगर आप एक सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसकी कास्ट जो आपको पड़े 31,000 से लेकर 32,000 तक पड़ जाएगी। उसके साथ आपको दो पैनल मिल जाएंगे, मतलब कि 300 वाट का आप सोलर सेट अपने लिए 32,000 में बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।